अच्छा, आज की हमारी वीडियो प्रोफेसर को कैसे फाइंड आउट करना है और उसको ईमेल कैसे सेंड करनी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करनी होती है और उसके साथ प्रोफेसर को कैसे फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, इसके लिए पहले हमने करना क्या है, हमने सीएससी की यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये सब्जेक्ट वाइज है, ये सीएससी के अंडर है, तकरीबन 280 यूनिवर्सिटीज है जो सीएससी के अंडर है, यानी सीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो आप लोगों ने ये देख सकते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये सब्जेक्ट वाइज है। और अगर आप सिटी वाइज यूनिवर्सिटीज देखना चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि हम जैसा कि बीजिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, शंघाई में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, शिनयांग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, यानी चाइना के हर सिटी में कौन कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज है सीएससी के अंडर, तो इसके लिए मैं अलग से लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज को देखना चाहते हो या फिर सिटी वाइज, तो दोनों का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, फर्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली अगर मैं प्रोफेसर को फाइंड आउट करूंगा तो जैसा कि मैं शिनयांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनको टाइप करूंगा, ठीक है, या आप जिस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए फिर हमने क्या करना है, प्रोग्राम पर क्लिक करना है। प्रोग्राम के नीचे मास्टर और डॉक्टोरियल प्रोग्राम। अच्छा, मुझे मास्टर पर क्लिक करना है। मास्टर पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए सारी प्रोग्राम हमारे सामने आ गई और आपने फिर अपना प्रोग्राम चूज करना है, जैसा कि मैं इस प्रोग्राम को चूज करता हूं। ठीक है, इन पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज हो जाएगा। अब ये देखिए ये सारी प्रोफेसर है और उनके साथ ईमेल्स अटैच है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो इसी तरह आप लोग प्रोफेसर को फाइंड आउट करेंगे। अब हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, यानी एक ही वेबसाइट नहीं होती। सपोज अगर मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, सपोज ये चाइना यूनिवर्सिटी आप जियो साइंसेस है, ये एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, इसकी वेबसाइट देखेंगे कि इसकी वेबसाइट कैसी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर हमने क्या करना है, एडमिशन पर आना है। ठीक है, स्कूल पर आना है, सॉरी, स्कूल पर आने के बाद ये देखिए लिस्ट ऑफ स्कूल पर आना है। ठीक है, इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए हमारे सामने स्कूल्स ओपन हो चुकी है। अब स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज या जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करें। ठीक है, आप लोगों के सामने फिर एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। फिर आप लोग करना क्या है, फैकल्टी, फैकल्टी पे जाना है और फैकल्टी पे टीचर होम पेज, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए ये प्रोफेसर है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है और ये लेक्चरर है। ठीक है, जब आप किसी एक में से क्लिक करोगे, ठीक है, तो इनकी सारी डिटेल्स आप लोगों को ये दीजिए सामने आ जाएगी हर एक प्रोफेसर की। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चाहिए तो वो डायरेक्टली लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब सपोज अब हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम कोई दूसरा यूनिवर्सिटी, सपोज ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इनको इनके प्रोफेसर को हम फाइंड आउट करेंगे तो हम गूगल पर टाइप करेंगे ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, फिर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, एकेडमिक्स पर जाना है और स्कूल एंड डिपार्टमेंट पर हमने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए स्कूल डिपार्टमेंट की पेज सामने आ गई। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद सपोज मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर को फाइंड आउट करूंगा तो मैं इन पर क्लिक करूंगा। इन पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज हो जाएगा। अब हमने फैकल्टी पर जाना है, फैकल्टी पर क्लिक कर देना है। जैसा ही हम फैकल्टीज पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये प्रोफेसर है। ठीक है, ये सारे प्रोफेसर है, इसके नीचे एसोसिएट प्रोफेसर है। ठीक है, और ये लेक्चरर एंड असिस्टेंट है ये नीचे। तो ये देखिए सारी प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी के सामने आ गई। आप सपोज ये वाला प्रोफेसर है, मुझे इसमें इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए आप लोगों को ईमेल सारी डिटेल्स इनकी दिख जाएगी। ठीक है, तो और सबसे जरूरी बात, आपने ईमेल बॉडी कैसे लिखनी होती है, तो मैंने ईमेल बॉडी टाइप की है, मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों ने जस्ट अपनी डेटा को पुट कर देना है। सपोज मिसाल के अपनी अपना नाम, अपना प्रोफेसर का नाम और जीपीए वगैरह जो भी डिपार्टमेंट वगैरह है आपने जस्ट एडिट करना है, तो आप लोग वो भी ईमेल बॉडी भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और उसको कॉपी करके अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो और उसके साथ साथ मैंने चाइनीज में बहुत चाइनीज स्कॉलरशिप यानी सीएससी स्कॉलरशिप पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देख ले तो आपको कंप्लीटली तौर पर पता चल जाएगा कि ये सीएससी स्कॉलरशिप है क्या, ये क्या बेनिफिट्स दे रही है, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यानी ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।